हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेल के ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। और बेल पत्थर इसमें जो लगता है, इसको आपने काफ़ी खाया भी होगा, जूस भी पिया होगा, लेकिन आज मैं इसके कुछ फ़ायदे के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेल वृक्ष बहुत ही पुराना वृक्ष है। यह भारतीय ग्रंथों में इसे दिव्य वृक्ष भी कहा जाता है। इस वृक्ष में लगे हुए पुराने पीले पड़े हुए फल 1 साल के बाद पुनः हरे हो जाते हैं। इसके पत्ते को तोड़कर रखेंगे तो 6 महीने तक ज्यों के त्यों बने रहते हैं। बेल का पेड़ मध्यम आकार का कांटों से युक्त होता है और इसके तने के छाल मुलायम हल्के भूरे रंग के पीले रंग के होते हैं। इसकी शाखाएं हरे रंग की और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इसके फूल हरे और सफेद रंग के होते हैं। इसके फल गोलाकार अंडाकार भूरे पीले रंग के होते हैं। पत्थर का जो पेड़ होता है वहां पर उसके आसपास कभी सांप नहीं आते हैं। अगर किसी की शव यात्रा इस बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है। वायुमंडल में प्राप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा इसी पेड़ में होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बेल पत्र पाने वाला परम भाग्यशाली शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है और बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। जीवन में सिर्फ एक बार, और वह भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ा दिया हो तो भी उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, बेल के रस पीने से भी कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि दिल के जुड़ी समस्याओं को ये दूर करता है, पेट के गैस और कब्ज की समस्या से राहत मिलती है, साथ के साथ कोलेस्ट्रॉल स्तर को भी नियंत्रित रखने में मददगार होता है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।